विपद विध्वंस विपत्ति उपुटुबु उत्तर भारत दिल्ली में बर्षार दादागिरी बर्षार तांडवरे बेहाल जम्मू काश्मीर वर्षा जे एमती जहाँ को भय कले लोके कारण मात्र दुई दिन बर्षार गला पार जीवन केउठी स्वप्नर घर उजुड़ी पड़ी तो आउ केउठी मझीरू फाड़ हो जातीय राजपथ दिल्ली भासुची भासुची हिमाचल आसाम जम्मू काश्मीर मोटामोटी कहवाक गले पूरा उत्तर भारत में वर्षा तांडव रचि अविश्रांत वर्षार आख्तामाख्ता जनता प्रशासन भी त्राही त्राही डाक देखु ए दृश्यगुड़ी प्रबल वर्षार सृष्टि बन्या जलर प्रचंड स्रोत मनरे छनका भरुची। मेरा सभी प्रदेशवासियों से अनुरोध है कि वे नदी नालों के किनारे ना जाएं, क्योंकि अगले 24 घंटे में और तेज बारिश होने की संभावना है। आपने सावधान रहना है और हमने प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया है कि वो सभी प्रकार के एहतियात बरते और लोगों को इस बारे में जागरूक भी करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। हिमाचल प्रदेश मंडी में स्थिति असंभाल होता बेले हिमाचल प्रदेश चंबा पठानकोट हाईवे बंद रही आकाशफटा वर्षा बानखेत्री रास्ता फाटी जाइछि। विभिन्न स्थान में बन्या परिस्थिति उपजी केवल हिमाचल प्रदेश में गत 24 घंटा मध्य वर्षा और बन्या फल पांच जन जीवन जाइछि। सेहिपरि पंजाब डेराबसी में वर्षा फल बन्या परिस्थिति घरे घरे पशिछि वर्षा जल जलस्तर बढ़िबा फल पंजाब सुखना लेक को खोली दिया जाइछि। जम्मूर पोसना नदी में दुई आर्मी जवान फासी जाता बेले रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रही। पुंच अंचल में पेट्रोलिंग समय पोसना नदी पार होता बेले बन्या जलर तीव्र स्रोत में भासी जाते नायक सुबेदार कुलदीप सिंह एवं लांस नायक तेलुराम। से दिल्लीर हाल भी बेहाल 41 वर्षर रेकर्ड भांगी दिल्लीर वर्षा। दिल्ली में 150 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर प्रबल वर्षा फल विभिन्न स्थान जलबंदी अवस्था रही बेले जातीय राजपथ में लहड़ी भांगुची वर्षा जल। सेबड़े प्रबल वर्षा फल दिल्लीर दुईटी सरकारी स्कूल पाचेरी भांगी जाइछि। कल मात्र 12 घंटे में सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक 126 मिलीमीटर बारिश हुई और अगर हम 24 घंटे का हिसाब देखेंगे तो कल सुबह से आज सुबह तक 150 मिलीमीटर बारिश दिल्ली में हुई। 150 मिलीमीटर बारिश का मतलब है कि दिल्ली में जितना बरसात में पूरे सीजन में पानी बरसता है उसका 20% पानी मात्र 24 घंटे में बरसा है। तो स्वाभाविक बात है कि जो भी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बारिश 20% बारिश मात्र 24 घंटे में हो जाए उसके लिए उस तरह से तैयार नहीं होता है। तेजिंदर बग्गा जी द्वारा फैलाए हुए फेक न्यूज में अब जर्नलिस्ट भी आने लगेंगे। वो दीवार 35 साल पुरानी थी, 35 साल, वो 4 महीने पुरानी दीवार नहीं है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि बरसात में वो दीवार टूटी है। हमने सब स्कूल्स में, दिल्ली सरकार के स्कूल्स में, एनसीडी के स्कूल्स में भी निरीक्षण के आदेश दिए हैं कि मंडे बच्चों के आने से पहले सारे स्कूलों में हम बिल्डिंग्स का इंस्पेक्शन करें। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में आसंता दुई दिन प्रबल वर्षार संभावना रही। पंजाब हरियाणा यूपी एवं पूर्व राजस्थान में मध्य दुई दिन जाए प्रबल वर्षा लागि रहिब। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर पर आलर्ट जारी करा जाइछि। सेहिपरि पंजाब हरियाणा यूपी एवं पूर्व राजस्थान पर ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। आसंता 24 घंटा पर दिल्ली लागि येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणिपाग केंद्र। पंजाब हरियाणा यूपी और ईस्ट राजस्थान की बात है तो वहाँ अगले दो दिन भारी से बहुत भारी बरसात की संभावना बनी हुई है, परंतु ये इंटेंसिटी कम होगी दो दिन बाद और
बरसात फिर भी पूरे ही नॉर्थ वेस्ट इंडिया में चलती रहेगी। उसका मेन कारण यह है कि एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस है और दूसरा जो मानसून ट्रफ है अपनी सामान्य स्थिति से साउथ में है, तो दोनों ही के कम्बिनेशन से जो हमारी ईस्टर्ली हवाएं आ रही हैं बंगाल की खाड़ी से और मॉइस्चर जा रहा है अरेबियन सी से। देखिए रेनफॉल तो वहां भी चल रही है, परंतु जो एरिया वाइज अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट और साउथ में पीक इंटेंसिटी रेन नहीं है, बहुत ज्यादा इस समय भारी बरसातें नहीं हो रही हैं, तो ये एक तरह का सर्ज में मानसून आता है। तो जैसे अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया एक्टिव है, जैसे ये कम होगा तो सदर्न से नॉर्थ ईस्ट में रेन बढ़ जाएगी। तो हालांकि देश में इस समय पूरे ही देश में जो लाइट टू मॉडरेट टाइप की रेन है वो चल रही है, जो भारी बरसात के जो एरिया है खासतौर से नॉर्दर्न पार्ट्स में है। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत रे फायर टीम एनडीआरएफ जवान अलर्ट रे अछंती, से परि असम हिमाचल प्रदेश रे एनडीआरएफ जवान मुतयन अछंती। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्कस न्यूज़।